हरिद्वार के भगवानपुर इलाके में कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों को फांसी देने की सजा दिलाने की बात कही। हरिद्वार के भगवानपुर से माय भारत के लिए सुफियान अलवी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मंडी समिति के सामने ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने कैंटर में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद हाईवे पर ईंट फैल गई और करीब 2 घंटों तक लंबा जाम लग गया, जिसके बाद प्रसपा के जिला उपाध्यक्ष मंसूरी ने क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को साइड में करवाया। फिरोजाबाद से माय भारत के लिए रिहान अली की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के काशीपुर में अवैध खनन से गिरते जलस्तर से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया है। आपको बता दें कि यहाँ खनन माफिया दिन रात पॉपलाइनों और जेसीबी की मदद से अवैध गड्ढे किए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। औरैया के अजीत मल कोतवाली इलाके में निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 48 घंटों के भीतर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक उसका रिश्तेदार है। मृतक का आरोपी की बहन से शादी करने से इनकार करने पर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। औरैया से माय भारत के लिए दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चमोली में अलकनंदा नदी किनारे फंसी गाय को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल स्थानीय चौकी प्रभारी ने बताया गाय के 3-4 दिनों से नदी किनारे फंसे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस SDRF और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। चमोली से माय भारत के लिए पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। कानपुर के एक इलाके में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कानपुर से माय भारत के लिए दीपा की रिपोर्ट। रुड़की में जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में हिजाब का विरोध करने के कारण कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में नारेबाजी की और जॉइंट मजिस्ट्रेट के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मामले में मंत्री शिवप्रसाद त्यागी ने कहा कि सरकार को तत्काल इसकी जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से कराकर दोषियों को मृत्युदंड देना चाहिए। कन्नौज के सौरख इलाके में तेज रफ्तार बाइक आमने सामने से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कन्नौज से माय भारत के लिए अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में 2 भाइयों में मामूली कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले में फरार चल रहे आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। रुड़की से माय भारत के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में चोरों ने बालाजी धाम मंदिर में दान पात्र का ताला तोड़कर नगदी और इन्वर्टर की बैटरी लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। कानपुर देहात से माय भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कौशाम्बी में प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुंडों और माफियाओं को वोट नहीं देना है। कौशाम्बी से माय भारत के लिए मोहम्मद नावेद की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए माय भारत।